भारत शिव ब्रह्मा बाबा ब्लॉक में आत्मा बहन भाइयों आपका स्वागत है। आज बाबा ने मुरली के अंदर बोला पढ़ाई के बारे में, मतलब स्टूडेंट जो लाइफ है ना ये सबसे बेस्ट लाइफ है, क्योंकि पढ़ाई चाहे रूहानी हो चाहे लौकिक हो, पढ़ाई करने से या तो देवी देवता बनेंगे या फिर लौकिक पढ़ाई करने से इंजीनियर डॉक्टर वकील बनेंगे। तो बाबा ने जो बोला ना कि विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा जीवन है, तो अपने जीवन को समझें, क्योंकि इस जीवन में बाकी में वैसे भी बिना एजुकेशन के और बिना देवी देवता पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। अगर आज पुरुषोत्तम संगम युग पर हम देवी देवता पढ़ाई नहीं करेंगे तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे, और जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में जाके देवी देवता कैसे बनेगी आत्मा, क्योंकि आत्मा तो पुनर्जन्म लेती है। जैसे हमने बचपन में रामायण महाभारत में बहुत चलचित्र देखे, जैसे भीम का ये और बहुत नाम है अर्जुन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, तो वो लोग कहाँ गए भाई? उन्होंने वहाँ शरीर छोड़ा, जन्म लेके वो भी इसी दुनिया में। तो जो बाबा का ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान है ये ब्रह्मा कुमारी के सिवा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे भी दुनिया में इतने सारे एक से एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जैसे दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, और हैं बहुत सारे सर, या यूँ कह लीजिए जैसे भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है ना, कि बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर ने ये करा, उस संविधान के अंदर और जो उनकी एजुकेशन है, कि जैसे ओझा सर हैं, दिव्य कीर्ति सर हैं, ये इंजीनियर डॉक्टर वकील तो बना सकते हैं, ये देवी देवता नहीं बना सकते। और ना ही कोई ऐसी वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सिटी या कोई अथॉरिटी है जो कि देवी देवता बना के देवी देवता बना सके। एक बाबा की हमारी यही है, जहाँ जगह जगह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बने हुए हैं और हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू। कोई कहता है कि भगवान, भाई भगवान इस समय पुरुषोत्तम संगम युग उसी साकार दुनिया में। अब वो क्या है, उसकी जब तक विधि नहीं पता होगी और जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक आपको मतलब बाबा की जो दिव्य शक्ति है ना वो समझ में नहीं आएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।